नई फेडरेशन जो हुई है उसी दिन उनकी विदाई कर दी थी 21 तारीख को ही, और आज उन्होंने अपना पता भी दिया कि हमने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। साक्षी मलिक ने भी कुश्ती से संन्यास ले लिया है। तो दोनों जो जिसके ऊपर आरोप लगा था, जिसने आरोप लगाया था, दोनों लोग संन्यास ले लिए, तो अब दोनों लोग शांति से नई फेडरेशन को चलने दें, बच्चों का भविष्य अच्छा होने दें। जिससे कुश्ती जो रुकी हुई है, कुश्ती की एक्टिविटी आगे बढ़े, बार बार कुछ नेशनल होना होता है तब तक एक्टिविटी रोक दी जाती है। रह गए उनके नहीं रिश्तेदार के बात जो उन्होंने कहा है, वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, मैं भूमिहार समाज से आता हूं, तो मैं उनका रिश्तेदार कहां से हो जाऊंगा। करीबी करीबी का जो आरोप लग रहा है, मैं भी उसी फेडरेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी था और वो प्रेसिडेंट थे, तो एक प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी के बीच में रिश्ता रहता है कि नहीं रहता है? दोस्ती का रिश्ता होता है, बातचीत का रिश्ता होता है, ये तो रिश्ता था उनसे। संजय सिंह जो भी कुछ दिन पहले ही भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्हें अचानक न सिर्फ अपने प्रतिष्ठित पद से हाथ धोना पड़ गया, बल्कि पूरे के पूरे भारतीय कुश्ती संघ को ही निलंबित कर दिया गया है। लिहाजा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो चिट्ठी लिखी है उसके मुताबिक IOA या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कुश्ती फेडरेशन के लिए पैनल बनाएगी। ये एक तरह की एडहॉक जिम्मेदारी होगी। इस बात की पीड़ा संजय सिंह सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे कह डाला है कि विवाद साक्षी मलिक और बृजभूषण शरण सिंह के बीच में था, ऐसे में इसकी गाज उनके ऊपर क्यों गिर रही है। खैर, अब फैसला तो हो ही चुका है, इसे लेकर चर्चा ये है कि उन्हें बृजभूषण सिंह की दोस्ती और उनके बड़बोले बयान ले डूबे, जिसमें उन्होंने संजय सिंह के कुश्ती संघ अध्यक्ष चुने जाने पर कह डाला था कि दबदबा तो हमारा ही रहेगा। हालांकि इसे लेकर जो वजह सरकार की ओर से बताई जा रही है वह भी चर्चा का ही विषय है। दरअसल नए कुश्ती संघ ने हाल ही में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप गोंडा में कराने का ऐलान किया था। खेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यह फैसला WFI के संविधान के प्रावधानों का पालन किए बिना किया गया था। खेल मंत्रालय ने बयान में कहा कि WFI के नवनिर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा लिए गए फैसले WFI के प्रावधानों और नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन है। ऐसे फैसले कार्यकारी समिति द्वारा लिए जाते हैं, जिसके समक्ष एजेंडे को विचार के लिए रखना जरूरी होता है। इन फैसलों में नए अध्यक्ष की मनमानी दिखाई देती है, जो सिद्धांतों के खिलाफ है। एथलीटों, हितधारकों और जनता के बीच विश्वास बनाना अहम है। खेल मंत्रालय ने कहा कि ऐसा लगता है कि नया कुश्ती संघ खेल संहिता की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए पूरी तरह से पिछले पदाधिकारियों के नियंत्रण में है, जिसके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने कहा कि फेडरेशन का कामकाज पूर्व पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रित परिसर में चलाया जा रहा है। उसी परिसर में खिलाड़ियों के कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था और वर्तमान में कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।